200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गृह ज्योति के इस्तीफा दकुनिंदगान से आधार कार्ड और राशन कार्ड की तफसीला जमा करने का अमल आसमानगढ़ डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के इलाके में शुरू हो चुका है। हैदराबाद साउथ सर्कल सुपरिटेंडेंट अब्दुल रहमान ने आसमानगढ़ विद्युत डी के दफ्तर में जायजा लिया। अहदेदारान को इस महीने की 15 तारीख तक इस अमल को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है और इनके आधार कार्ड व राशन कार्ड जमा करने के साथ साथ दरख्वास्तों की जांच पड़ताल की भी हिदायत दी गई है। हर कनेक्शन फोन नंबर को अपडेट किया जाना चाहिए। वाजे किया गया कि कनेक्शन से मालिक का नाम नहीं निकाला जा सकता है। ये तजवीज़ किया जाता है कि तफसीलात जमा करना इख्तियारी है, कोई चाहे तो करा भी सकता है या फिर उस पर कोई किसी किस्म की जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो अपनी तफसीलात चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दरख्वास्त में ना दिए हो यहाँ पर आने वाले मीटर रीडर को भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं ख्वाजा अब्दुल रहमान सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैदराबाद साउथ सर्किल TSSPDCL बात कर रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट जो ये स्कीम आने वाली है गवर्नमेंट में 200 यूनिट्स एग्जम्पशन की, उसके बारे में आज ही हम लोग हमारे इंस्ट्रक्शन कल रात में हमारे मैनेजमेंट से मिले और आज हम मीटर रीडर जो आपके घर पे मीटर रीडिंग रेगुलर जो आते हैं वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे के भेजे हैं। वो लोग जो मामूली रीडिंग लेने के बाद एक दो आइटम्स आपसे पूछते हैं, दो या तीन पूछेंगे, वो आप लोगों को मदद उसके उससे कोऑपरेट करना। एक तो आपका राशन कार्ड नंबर 12 डिजिट का जो नंबर रहता फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते उसको, वो नंबर देना। दूसरा आधार कार्ड नंबर देना, अरे वो ओनर रहें दो टेनेंट रहें दो, जो भी घर में रह रहा जिसके पास मीटर है उसको फैसिलिटी मिलती, वो आपको उसके हमारे मीटर रीडर से कोऑपरेट करके वो इन्फॉर्मेशन दिए तो उन्हें एंट्री कर लेता। अगर इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी प्रजापालन में दे चुके हैं तो वही इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट होता, वो खाली उन्हें क्रॉस वेरीफाई कर लेता है नहीं है बराबर एंट्री हुआ नहीं है, क्योंकि 12 डिजिट के नंबर है, राशन कार्ड भी 12 डिजिट है, आधार कार्ड भी 12, एक डिजिट भी इधर उधर हुआ तो फिर वो आपको फैसिलिटी वो नहीं मिलती, वो वेरीफाई कर लेता। नहीं अगर आप जब नहीं दिए हैं तो आप दिए तो आप एंट्री कर लेता, जो सर्विस नंबर आप बोले उस पर एंट्री कर लेता, और फोन नंबर भी देना आपका। ये फोन नंबर इसलिए है कि मैसेज आता आपको, आपके पास अगर करंट बंद हो रहा है ये टाइम से ये टाइम, वो मैसेज या आपका बिल इतना जनरेट हुआ, आप बिल बने नहीं, रिमाइंडर, ये सब हम डिपार्टमेंट का कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं कंज्यूमर से, तो उसके लिए ये फोन नंबर हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा ऑप्शनल है, आप जो भी दिए वो एंट्री कर लेता, इसमें बायस करना या उससे बोलना, आप नहीं देना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो स्किप कर देता हूँ, आप दिए तो ही ले लेता हूँ, इसके लिए कोऑपरेट करो, शुक्रिया। बिल के उससे समझ वो नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, कितना भी बिल रहे दो अब तक वो बाद में इंस्ट्रक्शन क्या आते हैं नहीं मालूम। अगर आप आपके ना वाइट राशन कार्ड है तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है आपके ना फ्यूचर में आने वाला है तो वो भी नहीं बोल सकते, खाली आधार कार्ड की एंट्री कराओ। किराएदार भी कर सकते हैं। अब ये इसमें एक डाउट है कि मकानदार के नाम पे रहता बिल, बिल नाम चेंज नहीं होता, जैसे अब आ रहा वो इसके नाम पे आता वही एड्रेस पे आता, कोई बिल कुछ चेंज नहीं होता, खाली फैसिलिटी मिलती है जो से अब जो किराएदार जो रह रहा उसको फैसिलिटी मिलती, मकानदार को इसमें कुछ परेशान होने की या उससे कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है। इसमें मकानदार के नाम पे रहता बिल जैसा पहले आ रहा वैसा ही आता, पूरा वैसा नहीं, एरिया का नहीं है, हर जगह हर घर में मीटर, अगर वो फैसिलिटी तो सिर्फ वाइट राशन कार्ड वालों को मिल रही, आप कोई भी एरिया में रहे आप तो दे सकते। आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समुंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल, दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इंपोर्टेड फिश जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैट फिश, पायरेट फिश, पिराना, इलेक्ट्रिक फिश और भी कई किस्म के फिश जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चले आए और इस बेहतरीन नजारे का मजा लें। अंडर वाटर फिश टनल एट नामपल्ली एग्जीबिशन अपोजिट पिस्ता हाउस।